गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खून के छींटे और जो गोली का शेल है यहाँ पे मौका है और वारदात पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप यहीं पे इसी जगह पे बिल्कुल इसी जगह पे दो गोलियां जो है उन पर चलाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी जो गोली कांड हुआ है उसका एक खोखा यहाँ पे पड़ा हुआ है। बड़का गांव का है डीएन मिश्रा। अपराधी भाग गया सर। हाँ, वो सब भाग गया, अब कोई देखा ही नहीं। मतलब रोड पर इतना गाड़ी चल रहा है, निकल गया तो सिवान की तरफ गया। अभी उनको कहाँ ले गया, ले जाएगा? अब उनको गाड़ी वोड़ी पर लाद के, उन्हीं का गाड़ी था पीछे से, लड़का लेके आया उसको लाद के सदर अस्पताल सिवान लेकर गया। किस किस को गोली लगी है? एक व्यक्ति को गोली लगी है। कहाँ के है सर? बड़का गांव के रहने वाले हैं, दयानंद मिश्रा जी नाम है इनका। दयानंद मिश्रा जी, और इन्होंने जा रहे थे नाश्ता करने के लिए। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगे। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड सिवान। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी जो गोली कांड हुआ है उसका एक खोखा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये बड़का गाँव के समीप जो है अभी अभी एक यहाँ पे बड़का गाँव में चिमनी के पास एक जो जमीनी खरीद बिक्री करते हैं उनको जो है यहीं पे इसी जगह पे बिल्कुल इसी जगह पे दो गोलियां जो है उन पर चलाई गई हैं। और तुरंत यहां से जो घायल व्यक्ति है उनको तुरंत आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से तुरंत जो है उनको सिवान सदर अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पे उनकी स्थिति जो है काफ़ी गंभीर बनी हुई है। और स्थानीय गाँव के स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि अपराधियों के द्वारा दो गोलियां जो है चलाई गई हैं, चाहे काफ़ी गंभीर स्थिति में उनको बड़का गांव चिमनी से सिवान सदर अस्पताल में भेजा गया है। आप देख सकते हैं यहां पे खून के छींटे और जो गोली का शेल है यहां पे मौका है और वारदात पे यहां पे पड़ा हुआ है। आप साफ तौर पे जो गोली का शेल है यहां पे देख सकते हैं। पैदल सोचे कि आगे निकलते हैं, तब तो कार तुम लोग लेकर आओ, और पीछे से बाइक वाला शायद बता रहा है लोग कि तीन गो था एक ही को चला, उसी में से पीछे वाला सट के गया और गोली मार दिया, गोली मार के भग गया। कहाँ गोली मारा है, लगा है? गोली लगा है यदि बड़का गाँव और निजामपुर के बीच में जो चौवर है। कहाँ लगा? और सर में लगा है यहाँ पे। अच्छा, यही से पूरा ब्लडिंग हो रहा है। जिनको लगा वो कहाँ के है? बड़का गाँव का है डीएन मिश्रा। अपराधी भाग गया सर। हाँ, वो सब भग गया, अब कोई देखा ही नहीं। मतलब रोड पर इतना गाड़ी चल रहा है, निकल गया तो सिवान की तरफ गया। अभी उनको कहाँ ले गया, ले जाएगा? अब उनको गाड़ी वोड़ी पर लाद के, उन्हीं का गाड़ी था पीछे से, लड़का लोग लेके आया उसको लाद के सदर अस्पताल सिवान लेकर गया। अच्छा, अपराधी कितने की संख्या? तीन था एक ही बाइक। कौन जगह है यहाँ? बड़का गाँव निजामपुर के बीच में जो चेमनी पर चौर है। हाँ, यही बड़का गाँव और निजामपुर के बीच में चौर है, मेन रोड सिवान। सिवान सदर हॉस्पिटल के हम प्रेस परिसर में हैं और इस समय एक बड़ी घटना वहां से निकल के सामने आ रही है। घटना की जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि मामला क्या है, किसी को गोली लगी है। विस्तृत जानकारी के लिए हम श्रीनिवास यादव जी जो समाज सेवी हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ लोगों से हमने मिलने से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस घटना को लेकर बात करने के मीडिया पर तैयार नहीं है। बहरहाल अभी अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है, शायद पेशेंट को, शायद घायल व्यक्ति को पटना रेफर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि आप अस्पताल परिसर में काफ़ी लोगों का हजूम है और इस समय सभी लोग उस घायल व्यक्ति को लेकर चिंतित। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला परिजन ही बताएगा स्पष्ट रूप से। क्या है, किसका नाम था, किसको गोली लगी है? एक व्यक्ति को गोली लगी है। कहाँ के है सर? बड़का गांव के रहने वाले हैं, दयानंद मिश्रा जी नाम है इनका। दयानंद मिश्रा जी, और इन्होंने जा रहे थे नाश्ता करने के लिए, तभी ने अपराधी आके गोली मारने का काम किया है। क्या स्थिति है अभी? स्थिति ठीक है और इनको बेहतर के लिए पटना भिजवाने का। कहाँ गोली लगी है? गर्दन में लगी है और बाँह में लगी है। गर्दन जमीन मापी को ले, जमीन के कारोबारी थे शायद, ऐसा सुनने में आ रहा है। लग रहा है कि ऐसा है, बाकी वर्जन जब तक आवेदन नहीं देता तब क्लियर कैसे हो जाएगा। बाकी प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि जमीन नापी के लेके विवाद हुआ है। चलिए, बोले बोले, ये जमीन के कारोबारी करते हैं, उसी में कोई अपराधी लोग आए हैं और गोली चला कर चले गए। गोली चला के चले गए। अच्छा, कहाँ घटना घटी? बड़का गाँव चौर में। बड़का गांव चौर में, वहाँ ही मेरा ही पंचायत है, सुरवाला पंचायत में बड़का गांव आता है, उसी में घटना घटी।
अभी क्या स्थिति है घायल की? स्थिति तो ठीक है, लेकिन अभी अभी रेफर किया गया पटना पीएमसी है। कहाँ गोली लगी है? गर्दन पे लगी है, एक और लगी है हाथ, एक हाथ में लगी, एक हाथ में और एक गले में। अपना परिचय दे दीजिए। सुरवाला पंचायत का मुखिया है। क्या नाम? विनोद सिंह। और इस समय तमाम प्रेस मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए, चूँकि अभी रेफर हो चुके हैं और देखिए अफरा तफरी का माहौल। ठीक, हम पुनः आपसे जुड़वाएंगे।